नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत, में राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां कैश कांड में ईडी का बड़ा खुलासा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला ईडी ने बताया है। आरोपी संजीव की पत्नी से भी पूछताछ ईडी की टीम ने की है। रीता लाल से ईडी पूछताछ कर रही है। रीता के नाम पर संपत्ति का ट्रांजेक्शन हुआ, जो पूछताछ में खुलासा हुआ है। दो दिन से रिमांड पर संजीव और जहांगीर दोनों हैं, और दोनों से ईडी पूछताछ लगातार कर रही है। मंत्री के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम के रिमांड का आज दूसरा दिन है। तो बता दें कि पूछताछ में ग्रामीण विकास विभाग में फैले भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। अब संजीव की पत्नी रीता लाल से भी ईडी पूछताछ कर रही है। संजीव लाल और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी पर ईडी ने जानकारी देते हुए कई खुलासे किए हैं, और ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया है। ईडी की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी, जिसमें 37 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया गया था। और देखिए, इस मामले में एक एक कड़ी कैसे सामने आगे बढ़ती चली गई, अब तक क्या कुछ हुआ है वो एक एक करके आपको बताते हैं। तो रांची में ईडी की दबिश लगातार देखने को मिल रही है। सबसे पहले रांची में ईडी की दबिश देखने को मिली, जहां से पूरा कैश कांड सामने आया। इंजीनियर विकास कुमार के ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंचती है, रेड होता है। उसके बाद मुन्ना सिंह के ठिकाने पर भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की, और मुन्ना सिंह के ठिकाने से भी कैश बरामद होता है। संजीव लाल के घर पर भी ईडी कार्रवाई करती है। उसके बाद जहांगीर आलम, जिनके घर से 37 करोड़ बरामद हुआ, उसके बाद संजीव लाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, और इस गिरफ्तारी के बाद से पूछताछ भी लगातार चल रही है। ईडी ने जहांगीर आलम को भी गिरफ्तार किया, और बता दें कि संजीव लाल के दफ्तर से 2 लाख कैश ईडी की टीम ने बरामद किया। बिल्डर राजीव के ठिकाने पर भी ईडी पहुंची, और वहां पर भी छापेमारी की गई। बिल्डर राजीव के ठिकाने से भी करोड़ों रुपए जब्त किए गए। धन कुबेर, संजीव लाल और जहांगीर से जहां एक तरफ ईडी रिमांड के दूसरे दिन पूछताछ कर रही है, तो वहीं संजीव लाल की पत्नी रीता लाल को भी आज ईडी ने बुलाया है। फिलहाल रीता लाल जो है वो ईडी दफ्तर पहुंची है, और यहां पर ईडी के सवालों का जवाब फिलहाल वो देती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर से जो जानकारी है उसके अनुसार जो अकूत संपत्ति जो है कमीशन के पैसों से खरीदी गई है, उन तमाम चीज़ों को लेकर रीता लाल से भी पूछताछ जो है वो ईडी के अधिकारी करेंगे। बता दें कि इस पूरे मामले में जो संजीव लाल और उनके शागिर्द जो कि नौकर भी है उनका, उनके द्वारा अकूत संपत्ति इकट्ठा की गई थी, और इसी फहरिस्त में करीब 37 करोड़ से अधिक की रकम जो है वो ईडी ने छापेमारी में बरामद की। तो वहीं कई संपत्ति के कागजात, ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित कागजात के साथ साथ कई अन्य आपत्तिजनक जो कहा जाए तो दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए गए हैं, जिनके आधार पर ईडी की टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है, सोर्सेज की जानकारी खंगाल रही है। तो वहीं कई ग्रामीण विकास विभाग के जो इंजीनियर हैं वो भी ईडी के रडार पर हैं, जिनके यहाँ भी ईडी की दबिश दी गई थी। तो अब उसी मामले में रीता लाल को भी यहाँ पर बुलाया गया है। अब देखना होगा कि ईडी के अधिकारी जो उनसे पूछताछ करते हैं, जो सवाल करते हैं, उसके जवाब से वो ईडी के अधिकारियों को कितना संतुष्ट कर पाती हैं। रीता लाल अपने वकील के माध्यम से यहाँ पर पहुँची हैं, और फिलहाल ईडी के अधिकारियों के सवाल का जवाब दे रही हैं। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। और न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं। ओम प्रकाश, दूसरा दिन और पूछताछ इनसे की जा रही है, अब इनकी पत्नी से भी पूछताछ हो रही है। किस तरीके से अब नए जो खुलासे वो हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो ईडी ने बताया है? बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरे मामले में कैश की बरामदगी हुई है, ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ चुका है। और ईडी भी के द्वारा अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जो जानकारियां हैं उसे इकट्ठा की जा रही है, और इसी फहरिस्त में इन्हें जो जहांगीर और संजीव लाल को भी रिमांड पर लिया गया। आज दूसरे दिन जो रिमांड पर सबसे अहम सवाल यही रहे कि इनके सोर्सेज कहां से आ रहे हैं, पैसों का जो सोर्स है वो किस तरह से जनरेट करते हैं, ये निविदाओं के माध्यम में किस तरह से कमीशन का खेल होता है, और ये कमीशन जो सेट होते हैं
इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, किन की मदद ली जाती है और ये पैसों का बंदरबांट किन किन लोगों तक जाता है, ये तमाम सवाल जो हैं वो ईडी के अधिकारी जो हैं वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी फहरिस्त में अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में रीता लाल को भी तलब किया गया है। आज उनसे भी करीब 5 घंटे जो पूछताछ जो है वो की जा चुकी है, अभी भी वो ईडी दफ्तर के अंदर ही मौजूद है और तमाम जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है। फिलहाल इस पूरे नेक्सस को डिकोड करने में ईडी की जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो चलिए बिल्कुल ओम प्रकाश, तो बड़े खुलासे हो रहे हैं और चलिए हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपके पास वापस लौटते हैं। तो देखिए रांची से खबर है, जहां रांची में एक जमीन कारोबारी की आत्महत्या से हड़कंप मच गया है। सिल्वर डेल अपार्ट